मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मैं क्लासरूम में बैठ ही नहीं पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार बालवीर जी के अलावा किसी ने मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने की इतनी बैंड बजाई है। बालवीर जी से तो दोस्ती कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया क्या कि हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करेंगे। हाँ, हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करेंगे। अगर हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती कर लेंगे ना, हम उनके साथ मिलके उन विद्यो की बैंड बजा सकते हैं और फिर हमें कोई सजा भी नहीं होगी। मंटू, इधर ही आ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्लानिंग। मैम, प्लानिंग मतलब आप ही से मिलने की प्लानिंग कर रहे थे? वो क्या है ना मैम, आप स्कूल में अनुशासन लाना चाहती है। और वो मानव महर और उनकी गैंग है ना, वो आपके अनुशासन की चिंदी चिंदी कर रहे हैं। मैम, पता है वो कल रात को वीडियो गेम खेल रहे थे। मैम, और उन्होंने प्लान किया कि वो आज चालू क्लास में सोने वाले हैं। आप और आपके भले भले टीचर्स हम जैसे भोले भाले बच्चों को इतने मेहनती से पढ़ाते हैं। और वो मानो मेहरो उनकी गैंग चालू क्लास में सोना चाहते हैं। मैम, अब सोचिए मैम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे क्लासरूम में कोई नहीं सोएगा। मोंटू, जो दोस्त तुम्हारा हमेशा अच्छा चाहते हो उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, और इसीलिए आज हम तुम्हें सबक सिखा के ही रहेंगे। अरे, क्लास खाली क्यों है? प्रिंसिपल मैम के डर से कुछ बच्चे स्कूल आए ही नहीं। चलो अच्छा है। हा? अब हम इसी बहाने अकेले एक बेंच पे सो तो सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मेहर, अब क्लास भारी भारी लगेगी। बच्चो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो अपने अपने बुक्स खोलो। पेज नंबर 55। तुम्हें परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं तुम्हें सोने ना दूं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लोगों की हिम्मत कैसे हुई सोने की? लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या सोने?
और अब कोई भी सोता हुआ नजर आया ना, ग्राउंड के 100 चक्कर मारने पड़ेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। बालवीर, भटकाती परी कुछ कीजिए। ये प्रिंसिपल तो बहुत ही सख्त है, मुझे नहीं लगता इनके पढ़ाने का तरीका सही है। बालवीर आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इन बच्चों की मदद करते हैं और साथ में इन तीनों को सबक भी सिखाते हैं। मोंटू केवल रोहित को छोड़ के बाकी सब बच्चे करे आराम, लेकिन प्रिंसिपल और शिक्षक को लगे कि दे रहे हैं वो पूरा ध्यान। मोंटू केवल रोहित को नींद आए भरपूर, इनके बुरे इरादे हो जाए चकनाचूर। करेक्ट बॉस। क्या हो, भागो। जैसे अच्छे नींद में सो रहे थे। हाँ, अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। बॉस, आपके साथ रहकर हमें ग्राउंड के 100 चक्कर काटने पड़े और ग्राउंड के 100 चक्कर काटते काटते हमें चक्कर आ गए। होता है, कभी कभी निशाना चूक जाता है। कभी कभी मतलब हमेशा चूक जाता है। बट अब देखना, मैं ऐसा निशाना लगाऊंगा कि वो कभी चूकेगा ही नहीं। मैं ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि वो कभी फेल ही नहीं होगा। दरवाजा बंद कर माना।
बॉस। जाओ जाके प्रिंसिपल मैम को बुला के लाओ, वो यहाँ आएंगी और ये देखिए उन वीडियो पे भटकेगी और हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, समझे? मैं हूँ ना, मैं इसे मिटा देती हूँ। हाँ ये नहीं मिटा सकती। जब मैंने तुझे क्लास में अकेले देखा ना, तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये तूने किया है। आइए मैम, आइए मैम, आइए मैम, आइए। मोंटू जिद मत कर। देखिए इन पिद्दियों ने क्या बनाया। मिटा रहे थे, मैंने उन्हें रोका। अरे मैम लकड़ी मुझे नहीं, इन्हें दिखाइए। मैं डस्टर से डस्टर डस्टर चाहिए। केवल रोहित मोंटो बस बहुत हो गई प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करने की कोशिश। उनसे दोस्ती करने से अच्छा तुम उन पिद्दियों से दोस्ती करे। और नहीं भागा जा रहा है। उठाओ बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मेरी रिसेस होगी कब। मतलब हम सबकी। हाँ ठीक तो है ना। अरे मम्मी सॉरी मम्मी। दोस्तों प्रिंसिपल मैम ने हम सबको डांट खिलाई, लेकिन मैं आज तुम सबको पेस्ट्री खिलाना चाहता हूँ। मोंटू तू ठीक तो है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम अभी रिसेस है ना, तो हम लोग टिफिन खाने जा रहे थे। आज से स्कूल में कोई नहीं खाएगा। क्या? लेकिन मैम
मैं रिसेस में टिफिन खाने के लिए तो स्कूल में आता हूँ। शट अप। मेरा नाम है ज्वाला, मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। अब से यहाँ कोई टिफिन नहीं खाएगा, यहाँ से पढ़ाई होगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। अब टिफिन अंदर और किताबें बाहर। मुझे ग्राउंड में मिलेंगे अभी के अभी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने टिफिन खाया ना? कोई बात नहीं, आखिर हो तो तुम एक बच्चे ही, कई बार बच्चों से भूख कंट्रोल नहीं होती, तुमसे भी नहीं हुई। वेरी मुझे सच बोलने वाले बच्चे बहुत पसंद है। तो सच सच बताओ, तुम्हें भूख लगी है ना? सकाराम, केक लाओ। इतना बड़ा खाओगे, पूरा खाओगे और अकेले खाओगे, वरना इस ग्राउंड के 100 चक्कर काटो। क्या?